भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई टेस्ट का पहला दिन पूरे तरीके से इंग्लिश टीम के नाम रहा। इंग्लिश टीम ने 263 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं और भारतीय टीम ने महज 3 विकेट ही अंग्रेजों के गिराए। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता था और पहले यहां पर बल्लेबाजी का फैसला किया, उनका फैसला पूरे तरीके से सही साबित हो रहा था, लेकिन यहां पर हम ये कह सकते थे कि भारतीय गेंदबाजों ने पूरे तरीके से मेहनत की। आपको बता दें कि विकेट बिल्कुल सपाट था। ऐसे में ईशांत शर्मा और बुमराह ने जब पारी की शुरुआत की, उस समय ही समझ में आ गया था कि आज के विकेट में कुछ भी नहीं है, ना गेंद टर्न होगा और ना ही विकेट पर कुछ एक्स्ट्रा बाउंस है। इवन स्लिप्स पर भी गेंद कैरी नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद 24वें ओवर में जब रॉरी बर्न्स और डॉम सिब्ले एक अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे, ऐसे में 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में रॉरी बर्न्स विकेटकीपर ऋषभ पंत को कैच दे बैठे और 60 गेंदों में 33 रन बनाकर वो आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम को दूसरे विकेट के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। 26वें ओवर की 4थी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को यहां पर एंड चेंज कराकर विराट कोहली लेकर आए और उन्होंने डैन लॉरेंस की विकेट LBW यानी कि यॉर्कर गेंदों के थ्रू निकाल दी। आपको बता दें कि डॉम सिबली और डैन लॉरेंस दोनों को ही बुमराह ने अपनी यॉर्कर गेंद पर फंसाया था। हालांकि डॉम सिबली को जब बुमराह ने आउट किया तब तक वो अपना काम कर चुके थे। 286 गेंदों में 87 रन बनाकर डॉम सिबली आउट हुए। 12 चौके उन्होंने अपनी पारी में जड़े। स्ट्राइक रेट महज 30.42 का। हालांकि कप्तान जो रूट फिलहाल नाबाद हैं, 197 गेंदों में 128 रन बनाकर करीब करीब 89.3 ओवरों का खेल जो है वो पूरा हुआ। 263 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं इंग्लैंड की टीम ने और वो बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बुमराह और अश्विन को ही विकेटें मिली। शहबाज नदीम के तो पीछे पड़े थे आज इंग्लिश बल्लेबाज। 20 ओवर में 3 मैडन 69 रन शहबाज नदीम ने दिए। सुंदर ने 12 ओवर में 55 रन दिए, करीब 4.5 से ज़्यादा की इकॉनमी। अश्विन ने 24 ओवर 2 मैडन 68 रन देकर एक सफलता हासिल की। बुमराह ने 19वें ओवर की 3री गेंद पर विकेट जरूर हासिल किया, 2 मैडन पे के 40 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। ईशांत शर्मा ने 15 ओवर में 3 मैडन 27 रन देकर अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं की है। तो इस तरीके से भारत ने 3 विकेट इंग्लैंड के झटके हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से जसप्रीत बुमराह की खतरनाक यॉर्कर गेंद मैच के दूसरे दिन इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान करने में क्या कामयाब हो पाती है या नहीं। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट। We'll be right back.